नमस्कार, मैं हूँ रेणु भाटिया, न्यूज अब भारत में आपका स्वागत है। इटावा पुलिस द्वारा अवैध असलहा फैक्ट्री का खुलासा करते हुए 3 अभियुक्तों को 11 अवैध निर्मित असलहा व 2 अर्ध निर्मित अवैध असलहा व 19 कारतूस, 315 व 12 बोर व अवैध असलहा बनाने के समस्त उपकरणों सहित गिरफ्तार किया गया। SOG इटावा व थाना इकदिल पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम निगोह स्थित स्टेडियम के पास बने टीन शेड में कुछ व्यक्ति अवैध रूप से असलहा बनाने का काम कर रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर तत्काल पुलिस टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए मुखबिर के बताए स्थान पर पुलिस टीम द्वारा पहुंचा गया तो पुलिस टीम को ग्राम निगोह स्थित स्टेडियम में 3 व्यक्तियों को असलहा फैक्ट्री में अवैध असलहा बनाते हुए देखा गया, जिन्हें पुलिस टीम द्वारा दबिश देकर घेर कर अवैध असलहा बनाते समय पकड़ लिया गया, जिनके कब्जे से 11 अवैध निर्मित असलहा, 2 अर्ध निर्मित अवैध असलहा व 19 कारतूस, 315 व 12 बोर अवैध असलहा बनाने के समस्त उपकरणों सहित गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना इकदिल पर मुकदमा अपराध संख्या 45/2021, धारा 5/25 आर्म्स एक्ट अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस पूछताछ में अभियुक्त दशरथ सिंह ने बताया कि हम लोग अवैध तरीके से असलहा बनाने का काम करते हैं, जिन्हें हमारे साथी गोविंद मिश्रा व शिवम तिवारी जनपद व आसपास के जनपदों में ग्राहक मिलने पर उचित दामों पर बेच देते हैं। असलहा फैक्ट्री का खुलासा करने वाली टीम को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा उत्साहवर्धन हेतु 25,000 रुपए का नकद इनाम से पुरस्कृत किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा महोदय द्वारा जनपद इटावा में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश के लिए अवैध असलहा और मादक पदार्थों के विरुद्ध एक अभियान छेड़ रखा है। इसी के क्रम में आज क्षेत्राधिकारी नगर SOG इटावा और इकदिल की टीम के द्वारा एक काफ़ी भारी सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें अवैध असलहा निर्मित करने वाले एक गिरोह के 3 सदस्यों को अवैध असलहों के साथ और उनके उपकरणों के साथ आज गिरफ्तारी हुई है। इसी क्रम में आज इनके द्वारा अवैध 11 अवैध निर्मित असलहे, 2 अर्ध निर्मित अवैध असलहे, 19 कारतूस, 315 बोर और 12 बोर के और इसके अतिरिक्त जो अन्य उपकरण है इससे संबंधित उनसे बरामद की गई है। इन सदस्यों के द्वारा इसके पहले भी इस प्रकार की गतिविधियां की गई है कि नहीं, इस संबंध में विस्तृत जांच की जा रही है और इनके द्वारा किन किन लोगों को अवैध असलहे वितरित किए गए हैं या उनको बेचे गए हैं, इस संबंध में भी हम विस्तृत जांच कर रहे हैं। इस क्रम में इकदिल थाने पर उचित धाराओं में अभियोग यहाँ पंजीकृत किया गया है और इसकी विवेचना जो है प्रचलित है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ अब भारत। देश विदेश की सबसे बड़ी और अहम खबरें देखने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ हब भारत को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।